हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आज सारा इंडिया परिवार की एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं, जो कि आज ही की तारीख 15 मार्च को आई है उपभोक्ता फोरम आगरा की तरफ से, जहां पर उपभोक्ता फोरम ने एफडी की रकम देने का आदेश दिया था, जिसके जवाब में सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने यह राशि निवेशक को नहीं लौटाई। क्या है पूरी जानकारी, कितनी एफडी के माध्यम से रकम जमा की गई थी, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ पर उपभोक्ता फोरम प्रथम अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार ने सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की वादी मोनिका अग्रवाल को एफडी की रकम और वाद व्यय पर खर्च राशि अदा करने के आदेश किए हैं। मामले के अनुसार ट्राई यमुना कॉलोनी निवासी मोनिका अग्रवाल ने उपभोक्ता फोरम प्रथम में मुकदमा प्रस्तुत किया था। इसमें आरोप लगाया है कि उसकी मां रेनू अग्रवाल ने सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कमला नगर में 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा कराए थे। 56 महीने तक जमा कर 56,000 रुपये दिए। ब्याज लगने के बाद रकम 76,000 रुपये हो गई। जमा राशि की मांग करने पर 50,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया, 26,000 रुपये नहीं दिए गए। 13 अप्रैल 2018 को एफडी कर दी। इसकी अवधि 18 महीने बताई। एफडी का भुगतान 13 अक्टूबर 2019 को ब्याज सहित 30,238 रुपये होना था। 14 अक्टूबर 2019 को विपक्षी ने परिपक्वता राशि की मांग की, मगर उन्होंने मना कर दिया। फोरम ने मुकदमा प्रस्तुत करने पर विपक्षी की तरफ से कोई नहीं आया। इस पर फोरम अध्यक्ष ने 8% ब्याज सहित एफडी की सर्वेश कुमार और सदस्य अरुण कुमार रकम और मानसिक उत्पीड़न वाद व्यय के रूप में 7,000 रुपये दिलाने के आदेश दिए हैं। जिस आदेश पर सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने किसी भी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और निवेशक को धनराशि नहीं लौटाई, जिससे साफ जाहिर होता है कि सारा इंडिया पर कानून का भी कोई जोर नहीं चल रहा और आदेशों को ऊपर हवा में ही गायब कर दिया जाता है। तो अब वो पीड़ित निवेशक जिनका पैसा सारा इंडिया में लगा हुआ है और मैच्योरिटी होने पर भी पैसा नहीं मिल रहा, तो अब वो निवेशक जाए तो जाए कहाँ जिसका आदेश सारा इंडिया माने। इस पूरे मामले के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो में सारा इंडिया परिवार से जुड़ी हुई एक और लेटेस्ट अपडेट। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।